नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदयातिथि द्वादशी और रविवार का दिन है। आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:01 तक वैद्युत योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 9:32 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 31 जुलाई की देर रात 3:52 से अगली सुबह 5:43 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 6 अगस्त की देर रात 1:43 से अगली सुबह 5:22 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 अगस्त की सुबह 6:22 से सुबह 8:40 तक, और एक बार फिर सुबह 10:56 से दोपहर बाद 3:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक, और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक, और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 अगस्त की सुबह 5:43 से सुबह 7:44 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:49 से शाम 7:53 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 अगस्त की रात 12:22 से देर रात 1:06 तक, और एक बार फिर देर रात 3:20 से अगली सुबह 5:53 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 31 जुलाई की शाम 6:48 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा
शाम 5:32 से शाम 7:14 तक, मुंबई शाम 5:37 से शाम 7:15 तक, चंडीगढ़ शाम 5:37 से शाम 7:19 तक, लखनऊ शाम 5:15 से शाम 6:56 तक, भोपाल शाम 5:24 से शाम 7:03 तक, कोलकाता शाम 4:40 से शाम 6:19 तक, अहमदाबाद शाम 5:43 से शाम 7:22 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 5:01 से शाम 6:36 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज किसी बड़ी कंपनी से आपके लिए जॉब का कॉल आ सकता है, ऑफर आ सकता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होने के आसार हैं। परिवार में किसी से आपको अच्छी सलाह मिलेगी। दांपत्य जीवन में खुशहाली का वातावरण रहेगा। लवमेट्स कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। दिन खुशनुमा रहेगा, दांपत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आप किसी जरूरी काम से बाहर जा सकते हैं। अपना जरूरी सामान रखना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया से जुड़े लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से परिचित हो पाएंगे। आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। आज वाहन खरीदने के लिए दिन अच्छा है। परिवार में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपको सहयोगियों से मदद मिलेगी। बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र आज अपने घर वालों से मिलने जाएंगे। कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी कंपनी से जॉब का प्रपोजल आएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। नवविवाहित दंपति कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आज आपके व्यापार में बेहतर और सुधार आएगा। दांपत्य जीवन में हो रही अनबन आज समाप्त होगी, जिससे आपके परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। इंजीनियर्स आज कोई अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल होंगे। लवमेट्स का रिश्ता गहरा होगा। आज पारिवारिक मेलजोल अच्छा बना रहेगा। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स में इजाफा होगा। आज कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत का बेहतर परिणाम हासिल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज परिवार में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। लवमेट्स लंच पर जाने का प्लान करेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई के प्रति लापरवाही करने से बचना चाहिए। किसी बड़े शोरूम में काम कर रहे लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। किसी जरूरतमंद की मदद कर आपका मन प्रसन्न होगा। शिक्षकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज आपको किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशहाल रहेगा। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का अच्छा मौका है। आज आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की नई योजना बनाएंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। आपकी मुलाकात बचपन के किसी दोस्त से होगी। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। सोशल मीडिया पर लोगों की बातचीत
नए लोगों से होगी। रिश्तेदारों से मिलने का मौका पाएंगे। शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह होगा। आज परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज आप ऑफिस के कामों में उलझे रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है। आज राजनीति में आपका दबदबा कायम रहेगा। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं खत्म होंगी। एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ेगा। आज विद्यार्थियों को प्रोफेसर्स द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। रोज की अपेक्षा आज व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। जो लोग किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उनको उनकी पसंद का कॉलेज मिलेगा। लवमेट से उपहार मिलेगा। आज जॉब की तलाश खत्म होगी। किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खास रहने वाला है। आज अपनी सूझबूझ से कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। आज परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। लवमेट से कोई उपहार मिलेगा, जिससे पूरे दिन आपके चेहरे पर खुशी बनी रहेगी। आज वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को आज अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी को दिया हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। स्टूडेंट्स किसी प्रोजेक्ट को पूरा करके आज फ्री हो पाएंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता जरूर मिलेगी। कपड़े का व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। दोस्त आपसे मदद लेंगे, आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। ग्रॉसरी का बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। दाम्पत्य जीवन में और मधुरता आएगी। आपका स्वास्थ्य तरोताज़ा रहेगा। शिक्षक आज किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होंगे। पिता की सलाह से आपको अपने बिजनेस में काफ़ी मदद मिलेगी। नवविवाहित दंपति का रिश्ता और मजबूत बनेगा। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपको खुशी महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पलों से भरा रहेगा। आज परिवार से खुशखबरी मिलेगी। ट्रांसफर में आ रही रुकावट आज खत्म होगी, दूर होगी। वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको प्रोजेक्ट में दोस्तों की मदद मिलेगी। ऑफिस में उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़े काम भी बन जाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। डेकोरेशन का कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। राजनीति में आपका पद बढ़ेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन यादगार रहने वाला है। किसी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने का सही समय है। सिविल इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आज सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकेंगे। जॉब की तलाश में लगे लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी। दाम्पत्य रिश्ता और मजबूत बनेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। आज आप घर पर अलग अलग पकवानों का आनंद लेंगे। बच्चे आपसे किसी खिलौने की डिमांड कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जैस्मीन का परफ्यूम लगाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो मंदिर में फूल माला चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों वाले शिक्षक आज कोई महत्वपूर्ण टॉपिक विद्यार्थियों को समझाएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 2 छात्र आज आप कंप्यूटर सीखने का मन बना सकते हैं। घर वालों से सलाह लेंगे। मूलांक 3 आज प्रमोशन होने की संभावना है, साथ ही सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा। मूलांक 4 पहले लिए गए किसी काम का परिणाम आज आपको मिलेगा।
जिससे अच्छा धन लाभ होगा। मूलांक 5, आज ज़्यादातर चीज़ें बहुत आसानी से सुलझती जाएंगी, आपको कुछ नए अनुभव प्राप्त होंगे। मूलांक 6, आज आप किसी काम को लेकर परिवार वालों से सलाह लेंगे जिससे वो काम आसानी से पूरा होगा। मूलांक 7, क्रॉकरी का व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ होगा, परिवार वालों के साथ घर पर पार्टी करेंगे। मूलांक 8, आज दूसरों की बात को सुनने की पूरी कोशिश करें, इससे आपको कुछ सीख भी मिलेगी। मूलांक 9, आज लवमेट्स का रिश्ता आपस में और मजबूत होगा, अपने रिश्ते की बात घर पर करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज सुबह 10:35 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके देर रात 3:01 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों है तो ठीक रहता है, लेकिन यदि कोई भाग दौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आज रात 9:32 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यह नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयासरत रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। पेड़ पौधों में मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं रानी माया ने साल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। लिहाजा आज के दिन मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी वैधित योग और मूल नक्षत्र के बारे में चर्चा, और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि द्वादशी तिथि आज सुबह 10:35 पर ही समाप्त हो जाएगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 7:27 तक ही रहेगी। आप लोगों को आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखकर प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय में भगवान शंकर की पूजा की जाती है, और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है, लिहाजा प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। साथ ही ये भी बता दूं कि अलग अलग वार को पढ़ने पर प्रदोष व्रत का अलग अलग नामकरण भी किया जाता है। जैसे सोमवार को पढ़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है, शनिवार को पढ़ने वाला प्रदोष शनि प्रदोष कहलाता है, वैसे ही आज रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष का ये व्रत सुबह से लेकर रात के प्रथम प्रहर तक किया जाता है। आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करा के दोबारा शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि से भगवान का पूजन करें और हर बार एक चीज चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार सुबह की पूजा के बाद प्रदोष काल में पुनः स्नान कर या हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहने और शिव मंदिर जाकर, या मंदिर न जा सकें तो घर में ही पूजा के लिए एक स्थान निर्धारित करके उस जगह को साफ जल से शुद्ध करके गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार कर लें और फिर उस मंडप में 5 रंगों से रंगोली बनाएं और उसी के पास पूजा के लिए भगवान शिव की तस्वीर रखें और सुबह की तरह ही पूरे विधि विधान से पूजन करें। कहा जाता है कि त्रयोदशी तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति
किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसे जीवन में सुख ही सुख मिलता है। लिहाजा आज के दिन शिव प्रतिमा के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। बता दूं कि रवि प्रदोष व्रत करने से जातक के आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले रवि प्रदोष व्रत के बारे में। आज प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कैसे आपको मुकदमे से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, कैसे आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी, कैसे आपके बिजनेस की तरक्की सुनिश्चित होगी, कैसे आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा, कैसे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी, कैसे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियाँ दूर होंगी और कैसे आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी, कैसे बच्चों को करियर में सफलता मिलेगी, कैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट संबंधी सारी परेशानियों का हल निकलेगा और कैसे आपको अपने विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अपने बिजनेस की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए आज के दिन शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं। अगर शिव मंदिर जाना संभव न हो तो घर में ही उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली में बीचों बीच घी का दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद देते हुए ध्यान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं और उसके चलते आपकी परेशानियां घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं तो आज के दिन धतूरे के पत्ते को पहले साफ पानी से धो लें, फिर उन्हें शुद्ध दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मुकदमे की परेशानियों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। अगर नारियल अर्पित करने के लिए आप प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिव मंदिर जाएं तो और भी अच्छा होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए आज के दिन शिव जी को दही में शहद मिलाकर भोग लगाएं। साथ ही भगवान शिव के इस मंत्र का 51 बार जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के दिन भगवान शिव को दही और शहद का भोग लगाने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें और वहां के पुजारी का पैर छूकर आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी और आपके परिवार की धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अगर आप किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान हैं तो आज के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान शंकर की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं और गहरी सांस लेते हुए ओम शब्द का सस्वर 5 बार उच्चारण करें। देखिए उच्चारण इस तरह करना है। ओ, यानी ओ की ध्वनि को लंबा खींचना है और जब बाद में मुंह बंद होगा तो माँ अपने आप निकल आएगा। पूरी सांस निकल जाएगी तो जैसे माँ बंद हो, मुंह ओंठ बंद होंगे, माँ हो जाएगा। तो इस तरह ओम शब्द का सस्वर 5 बार उच्चारण करें। आज के दिन इस प्रकार ओम शब्द का सस्वर उच्चारण करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अपने दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आज के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती पर एक साथ मौली यानी कलावे को 7 बार लपेट दें और ध्यान रहे कि 7 बार धागा लपेटते हुए उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी हाथ से धागे को तोड़ें। एक बात और कि धागा तोड़ने के बाद उसमें गांठ न लगाएं, उसे ऐसे ही वहां लपेट कर छोड़ दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां जल्द ही दूर होंगी और आपके रिश्तों में मिठास आएगी। अपने परिवार की सुख शांति के लिए आज के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर घी का एक दीपक जलाएं और तेल का एक दीपक जलाएं। आपको बता दूं कि घी का दीपक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है जबकि तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है।
साथ ही घी के दीपक में रुई की खड़ी सफ़ेद बत्ती लगाएं और तेल के दीपक में पड़ी हुई बत्ती यानी लेटी हुई लाल बत्ती लगाएं। आज के दिन प्रदोष काल में ये उपाय करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए आज के दिन एक कटोरी में थोड़ा शहद लें और उनमें से उंगली की मदद से शहद निकालकर शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को अपने हाथों से अपने बच्चों को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से अपने बच्चों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अपने किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए आज के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन भगवान शंकर को 11 बेलपत्र अर्पित करें और भगवान शिव के इस मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस इन्वेस्टमेंट संबंधी आपकी सारी परेशानियों का हल जल्दी ही निकलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज वैधित योग मूल नक्षत्र और रवि प्रदोष व्रत के बारे में। साथ ही आज रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के निमित्त कौन से विशेष उपाय करने चाहिए इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, फैक्ट्री में काम कर रहे नया काम मिल सकता है, कुछ नया करने को कोशिश करेंगे। बी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, आज जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। सी, विद्यार्थी आज किसी टॉपिक को ठीक से समझने में सफल रहेंगे, कुछ नया सीखने का मन बनाएंगे। डी, आज वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ई, ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दीजिए, अनावश्यक बातों में पड़ने से बचें। एफ, आज आप अपनी माँ से जो भी बात शेयर करेंगे वो आपकी बातों को जरूर समझेंगी, साथ ही बेहतर सलाह भी देंगी। जी, कपड़ों का कारोबार कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा, रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। एच, आज आप ऑफिस का पेंडिंग काम पूरा करने में सफल रहेंगे, बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आई, आज किसी को दिया हुआ धन वापस मिलेगा, इस जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। जे, दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बनाएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। के, प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों को मेहनत करने की जरूरत है, जल्द ही सफलता मिलेगी। एल, सिंगर्स को बड़े एल्बम में गाना गाने का मौका मिलेगा, लोगों को आपकी आवाज़ पसंद आएगी। एम, आज आपकी जॉब लगने की खुशी में आपके दोस्त आपसे ट्रीट मांगेंगे। एन, आज आपको किसी की सलाह से काम करने का नया नज़रिया मिलेगा। ओ, इलेक्ट्रॉनिक कारोबार कर रहे लोगों का रहेगा। पी, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें जितना हो खुशनुमा वातावरण दीजिए। क्यू, रियल इस्टेट का कारोबार कर रहे लोग क्लाइंट को बेहतर तरीके से डील करेंगे। आर, बड़े भाई की मदद से कारोबार को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, नए क्लाइंट भी जुड़ेंगे। एस, महिलाएं आज बाजार में अपने पर्स का खास ध्यान रखें, आवश्यकता से अधिक शॉपिंग करने से बचें। टी, शिक्षकों के ट्रांसफर में आ रही रुकावट आज खत्म होगी, मनपसंद जगह पर ट्रांसफर होगा। यू, आज ऑनलाइन प्रोफाइल देखकर किसी अच्छी कंपनी से आपके लिए जॉब का प्रपोजल आ सकता है। वी, करियर की शुरुआत करने के लिए आज का दिन आज एक अच्छा मौका हाथ लगेगा। डब्ल्यू, सीनियर्स आज आपकी किसी प्रैक्टिकल में मदद करेंगे जिसमें आप अच्छा करेंगे। एक्स, लवमेट के बीच हो रही अनबन आज खत्म होगी, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। वाई, अपने जीवन शैली में बदलाव के बारे में विचार करेंगे, जिससे सभी लोग आपसे खुश होंगे। जेड, नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें, आज खुद को पॉजिटिव माहौल दीजिए। और अब बात आज के तीर्थ की,
आज हम आपको कराने जा रहे हैं बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान परशुराम ने अपनी माता को जीवित करने के लिए भोलेनाथ की आराधना की थी। यही कारण है कि इस शिवलिंग को काफ़ी जागृत माना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि सहस्त्रबाहु का संहार करने के बाद परशुराम ने यहाँ पहली बार कांवड़ लाकर भगवान भोले का महाभिषेक किया था। उस स्थान को पूरा महादेव कहा जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। यदि जीवन रेखा के साथ साथ आपकी हथेली में भाग्य रेखा भी सुंदर है और उन्नत स्थिति में है तो वैवाहिक, अब इसको उन्नत शब्द यहाँ ठीक नहीं, उन्नत से मतलब बेटर क्वालिटी की है। वैसे तो रेखा जितनी गहरी, स्पष्ट और साफ हो उतनी अच्छी मानी जाती है, लेकिन उन्नत और अवनत से अर्थ यहाँ पर्वत के बारे में उन्नत शब्द लिखने से ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होता, लेकिन यहाँ उन्नत शब्द का मतलब है बहुत ही पतली, गहरी, साफ सुथरी। तो जितनी उन्नत और सुंदर स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन बना रहता है और पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है। दोनों की एक दूसरे के प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। कुल मिला के इनका वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण होता है। लेकिन यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर रुके और हृदय रेखा की एक शाखा मस्तिष्क रेखा में आकर मिल रही हो, इसके अलावा तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से 3/4 इंच छोटी हो, तो ये तीनों लक्षण पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ाने वाले माने जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा भाग्य रेखा के वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 जुलाई को श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज सुबह 10:35 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 7:27 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मूंग की दाल दाल करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।